गढ़ी किलोई साबला से बीजेपी उम्मीदवार मंजू हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें इस दौरान बाबा बालकनाथन किजारा से विधायक मौजूद रहे। मंजू हुड्डा को कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। साथ ही मंजू हुड्डा और बाबा बालकनाथ ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। चुनौती मानते हो क्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चुनौती मैं किसी को नहीं मानती। मैं जनता की सेवा में विश्वास रखती हूं और जनता की सेवा पहले भी करती थी और आगे भी करूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गढ़ी किलोई साबला से आपने नामांकन किया था कि अभी आप जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे बीच में जनता के बीच में? देखिए, मैंने 2 साल से यहाँ पीछे बहुत सारे काम किए हैं और मेरा आधार भी वही रहेगा, महिलाओं के लिए शिक्षा का, खेल जगत में आगे बढ़ाने का। चाहे मेरे के लिए विधानसभा में जो भी पिछले 10 सालों में जो भी काम नहीं हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का, और जहाँ भी मेरे विधानसभा के लोगों को मेरी जरूरत होगी उनके साथ कदम से कदम मिला के रहने का। 2 बार के सीएम हैं और 2 दशक से यहाँ से जो है विधायक रहे हैं गढ़ी किलोई साबला से, उनके आपका मुकाबला होना है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि आप महिलाएं हो, यहाँ से ताकतवर माना जाता है, उनका ब्लड माना जाता है, किस तरह से मुकाबला करेंगे? लेकिन मेरे साथ मेरे युवा हैं और महिला शक्ति है, तो मैं मेहनत करूंगी और मैं जीतूंगी। तो कौन बड़े नेता आएंगे आपके लिए यहाँ पर जिस तरह से? वो पार्टी का प्रोटोकॉल है, वो बताएंगे। बाकी